नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, अगर मैं सीधे मुंह ऐसी बात कहूं कि लहसुन का भविष्य बहुत ज्यादा सालों का नहीं बचा है, तो कितने किसान मित्र ऐसे हैं जो इस बात से एग्री करेंगे। दोस्तों, मैं इस बात को प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उसी हिसाब से अगर हम चलते हैं तो लहसुन का जो भविष्य है वो आने वाले 5 साल या हद से 10 साल तक ही होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, इस चीज को जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। और क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें ऐसे मेजर्स लेने की जरूरत है, क्या हम चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे हमारा जो भविष्य है वो सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों, छोटी सी शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। आप आजकल देख रहे हैं लहसुन की खेती के ऊपर हम मेजरली बात करते हैं, तो लहसुन की खेती पिछले कुछ सालों से खेती करना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। हम चीजें डालते तो हैं, हम कट्टे भर भर के DAP रासायनिक खाद डाल तो रहे हैं, पर वो सारा यूटिलाइजेशन उतना, जितना हम चीज़ें डाल रहे हैं उसका रिस्पॉन्स उतना नहीं आ रहा है। तो आखिरकार क्या रीज़न ऐसा है कि जो चीज़ें हम डाल रहे हैं वो फसल को लग नहीं रही हैं, और लग रही है तो बहुत स्लो लग रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से हम इन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी जमीन जो है, हमारी जो मृदा है, जो हमारी मिट्टी है, जो बहुमूल्य है, ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम उस चीज़ का दोहन करते जा रहे हैं और मृदा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, तो किस प्रकार से हम उसको वापस से रिकवर कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल से शुरुआत करते हैं कि इन जनरल एक किसान जो है वो ये चीज़ देखता है कि साल भर में उसने उत्पादन कितना लाया, मतलब उसके खेत से उत्पादन कितना आ रहा है। किसान के लिए जो दाना खेत से निकल रहा है वो उसका मुख्य उत्पाद है। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो किसान के काम की चीज़ केवल वो 4 क्विंटल बीघे का सोयाबीन है, दिन रोज उत्पादन घट रहा है। किसान के काम की चीज़ तो 4 क्विंटल सोयाबीन है। अगर हम बात करें तो जमीन से हमने क्या प्राप्त किया, मात्र 4 क्विंटल सोयाबीन। और अगर हम गेहूं की बात करें तो 10 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से जो सोयाबीन निकल रहे, गेहूं निकल रहे हैं, वो हमारा मुख्य उत्पाद है। उसके अलावा किसान जो है वो सारी जो चीज़ें पर्दे के पीछे की जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो उसको कैलकुलेट करना चाहिए कि वो भी जमीन से उत्पादन आ रहा है, वो सारी चीज़ें किसान मित्र भूल जाता है। दोस्तों, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखा जाए किसान मित्रों कि जो सोयाबीन हम 4 क्विंटल प्रति बीघा का निकाल रहे हैं, जब 4 क्विंटल सोयाबीन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 4 क्विंटल सोयाबीन के साथ में लगभग प्रति बीघा के हिसाब से 25 क्विंटल उसका भूसा भी ऑन एन एवरेज निकलता है, और जो खरपतवार निकलता है वो अलग होता है। राउंड फिगर हम देखा जाए तो एक सीजन का लगभग प्रति बीघा के हिसाब से 50 से 60 क्विंटल उत्पादन हम लेते हैं, पर हमारे दिमाग में वही सारी चीज़ें हैं, 4 क्विंटल हमने लिया है। और अगर गेहूं की हम बात करें तो गेहूं में यही जो रेशो है, क्योंकि गेहूं की फसल जो है वो बड़ी होती है, गेहूं में यही जो रेशो है वो भूसे और उसके ग्रेन को मिलाकर, उसके अंदर उगने वाले खरपतवारों को मिलाकर लगभग 80 क्विंटल के आसपास जाता है। और 80-60 अगर समझा जाए मोटा मोटी, तो 150 क्विंटल आप पकड़ सकते हैं किसान मित्रों। तो 150 क्विंटल प्रति बीघा से हम उत्पादन ले रहे हैं, पर बदले में हम जमीन को क्या दे रहे हैं, गलती से कोई एक आध DAP का कट्टा दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज नहीं दे रहे हैं। और आज से कुछ समय पहले, हम बैक में जाएंगे, आज से 10 साल पहले या 10 से 12 साल पहले आप देखते होंगे हर किसान के घर में पशु हुआ करते थे। तो पशु क्या करते थे कि उनका जो गोबर निकलता था वो हम खेतों के अंदर डालते थे, और खेतों के अंदर जब हम गोबर डालते थे तो जमीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जिसे हम कार्बन तत्व भी कहते हैं, उसकी मात्रा जो है वो बैलेंस हो जाती थी। उस समय पर इतने रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं थे, तो वो सारी चीज़ें जो बैलेंस हो जाती थी। तो दोस्तों, अगर देखा जाए कि जो गोबर की खाद है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और एक खेत के हिसाब से देखा जाए तो एक बीघा में कम से कम 5-7 ट्राली 8 ट्राली हमें बीघा में खाद जो है आज के कुछ समय पहले तक किसान मित्र 2-3 साल में डाल दिया करते थे। उससे क्या होता था कि ऑर्गेनिक कार्बन की जो पूर्ति है वो हो जाया करती थी। पर अब हमारे घर पर लिमिटेड पशु हैं, किसी के घर पे एक है, किसी के घर पे दो है, किसी के घर पे तीन है, और बहुत सारे मैक्सिमम किसान ऐसे होंगे कि जिनके घर पे पशु ही नहीं है, वो डेयरी से दूध लाते हैं और खाते हैं। ये सारी समस्या है। और एक बात और यह है कि हम केवल 4 क्विंटल गिन रहे हैं और आखिरी में जो हमारी गेहूं की पराली बस्ती है उसको हम लगा देते हैं आग, तो जो जमीन से निकला हुआ प्रोडक्ट है वो सारा जो हो जाता है ख़त्म। तो दोस्तों, हम हमारी जो ज़मीन है, अब बात आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। आखिरकार मैं इतनी बड़ी जो रामायण आपके सामने कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ और आपको पका रहा हूँ, तो ये क्यों पका रहा हूँ उसके पीछे की बात करता हूँ। ज़मीन के अंदर जो है ऑर्गेनिक कार्बन कम्प्लीटली ख़त्म होता जा रहा है, इसी वजह से हो क्या रहा है कि हमारे जो हम खाद वगैरह जो दे रहे हैं,
जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जो हम हर्बिसाइड डाल रहे हैं, फंगिसाइड डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, या पर हम एनपीके पूरा डाल रहे हैं, या माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, सेकेंड न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, सारा डालने के बाद में भी हमारा उत्पादन दिन रोज घट क्यों रहा है? क्योंकि हम खर्चा तो डबल कर दिया हमने दोस्तों। उसके पीछे का कारण है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो दिन रोज घटता जा रहा है, और अगर इसी हिसाब से अगर हम चलते रहे, आखिरी में जाके पराली में आग लगा दी, और इसी प्रकार से जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, हमारे लिए काम की चीज़ तो केवल वो 4 क्विंटल सोयाबीन और 10 क्विंटल जो है वो गेहूं है, बाकी काम की चीज़ हमारे लिए कुछ होती नहीं है, हम गिनते भी नहीं है। तो हमने उत्पादन डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिया केवल 14 क्विंटल, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप सोचे कि आप जमीन से लगभग 150 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से प्रति वर्ष उत्पादन ले रहे हैं, आप उसको भी काउंट करिए। बदले में हमें उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की जो पूर्ति वो हमें करनी ही पड़ेगी। तो क्या किया जाए, ऐसी ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव है? मैं आपको ये कहूँ कि आप गोबर की खाद डालो तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन में आपने पशु आपने खरीद लिए या पशु आपने कहीं से जादू से इकट्ठे कर लिए और उनका गोबर भी हो गया और आपकी खेत जो है पूरे फुलफिल हो गए। तो दोस्तों ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। अब इसका उपाय हम समझते हैं, आखिरकार क्या उपाय है? तो इसका एकमात्र उपाय है हरी खाद। हम हरी खाद लगा सकते हैं। हरी खाद जो है अलग अलग प्रकार से हम बना सकते हैं। बहुत अब कुछ समय पहले अगर हम जाएं तो मूंग की खेती होती थी, मूंग को कुछ समय के लिए उगाया जाता था, मूंग या उड़द को, और उसके बाद उसको ज़मीन में मैश कर दिया जाता था। उसके बाद में सनई या ढेंचा जिसे हम कहते हैं उसको भी उगाया जाता था, और 50 से 55 दिनों के बाद में उसको मैशअप कर दिया जाता था, जमीन के अंदर मिला दिया जाता था, हकाई कर दी जाती थी, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सड़ जाता था, और जब हम उसको मिलाते उसके 10 के 15 दिन के अंदर हम नई फसल लगा सकते थे। पर दोस्तों हमने वो भी सारी चीज़ें छोड़ दी। आप डॉक्टर सुनील भेड़ा सर को जानते हैं। सुनील भेड़ा सर ने सनई और हरी खाद के ऊपर एक पूरा अपना जो एक लाइफ का जो PhD है वो इसी के ऊपर किया है। मेरी उनसे रिसेंटली बात हुई थी, और जो मृदा का हास हो रहा है, जो शरण हो रहा है, जो चीज़ें अभी रिस्पांस आ रहा है ज़मीन से, इतना सब कुछ करने के बाद में भी खर्चा दिन रोज बढ़ रहा है, बीमारियां दिन रोज आ रही है। और एक चीज़ और, लहसुन किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस खेत में लहसुन एक बार हो जाती है उस खेत में ऑटोमेटिकली कमजोरी आ जाती है, या फिर उत्पादन उसका डाउन होता है। और बहुत सारे खेत ऐसे हैं, अब ऐसा तो है ही नहीं कि हर वर्ष नए खेत कहीं से आ जाए, नए प्लॉट कहीं से आ जाए, खेत तो वही के वही है, अब उनको भी हमें रिकवर करना जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि इस वर्ष आप कुछ एरिया में हरी खाद जरूर तैयार करें, हरी खाद अपने खेत में लगाएं, गर्मी का समय है, अपने आप पराली ना जलाएं, पराली ना जलाते हुए खेत के अंदर आप हरी खाद के जो ढेंचा या सनई के जो सीड आते हैं वो आप ले आइए, आप 8 से 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से उनका छिड़काव करके आप उनमें पानी लगा दीजिए, तो वो लगभग 40 से 45 दिनों में बहुत अच्छी हाइट ले लेंगे। हमें यहाँ पे कोई भी ना तो फंगिसाइड डालने की ज़रूरत है, ना कोई इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत है, और बस केवल हमें पानी देना है। हमारे पास गर्मी के अंदर जितना पानी है हम अपनी खेत के अंदर उतना आप लगाएं। जैसे किसी किसान मित्र के पास में यार 10 क्यारी पिलाने का पानी है तो 10 क्यारी में आप लगाएं। अगर कोई किसान मित्र के पास 2 बीघा पिलाने का पानी है तो 2 बीघा में लगाएं। आप ऐसे करके अपने ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं आप यहाँ से बहुत सारी ऐसी रिसर्च कहती है कि हरी खाद जो है उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत अच्छे से होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट पौधों को जो लगते हैं सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के अंदर उपलब्ध होते हैं, नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा में होती है, फास्फोरस भी होता है, पोटाश वोटा सारी चीज़ें जो है उसके अंदर होती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीवों का जो पूरा संसार जमीन के नीचे है वो आजकल उनका भोजन खत्म हो गया है। हम गोबर की खाद डालते थे तो वो उसको खा लेते थे और अपना जो परिवार है वो उनका चलता था। अब हम क्या कर रहे हैं, गोबर की खाद तो पहले ही नहीं है और ऊपर जो बची हुई गेहूं की पराली है उसको भी हम आग लगा देते हैं, तो उसके लिए भी भोजन नहीं बचा है, और ऊपर से हम हर्बिसाइड अलग डाल रहे हैं तो वो भी बड़ी समस्या है। तो उनके लिए भोजन नहीं बचा है, तो होता क्या है किसान मित्रों की पूरा जो उनका इकोसिस्टम है, अंदर का पूरा जो संसार था, उनकी पूरी फैमिली पनपने के लिए जो सिचुएबल चीज़ें उनको चाहिए रहती थी वो पूरी कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गई है। अब डिस्टर्ब हो गई है तो आप भी देख रहे हैं आपके जो ज़मीन के अंदर जो चीज़ें होती है वो सारी जो है अब रिस्टोर होना बंद हो गई है। आप जैसे हमारा मानव शरीर है, जैसे कि मुझे कोई चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद में ऑटोमेटिकली उस घाव पर अपने आप जो है ऊपर जो है ऊपर वो फूल फील हो जाता है, जो है हील हो जाता है, घाव हील हो जाता है और उस पर खरोच आ जाती है। ऐसा ऐसा ज़मीन के अंदर भी होता था पर अब नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको ये कहूँगा कि आप हरी खाद से शुरुआत करें और बहुत फायदे की चीज़ है। तो दोस्तों हरी खाद जो है मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं, बेटर तरीका है, मैं स्वयं भी करूँगा इस वर्ष, मेरी इच्छा है। तो जिन किसान मित्रों के यहाँ पर लहसुन की फसल नहीं हो रही है,
नहीं हो रही है या हल्की हो रही है, कमज़ोर हो रही है, या फिर जो लीज पर खेती नहीं करते हैं और अपने घर की खेती की ज़मीन है उनके यहाँ पर कमज़ोर हो गई है, वो भी अपने यहाँ पर जो हरी खाद है वो आप बना सकते हैं। तो किसान मित्रों, हमने बहुत लंबी चौड़ी बातचीत कर ली है हरी खाद के ऊपर, हरी खाद की हमने बातचीत करी है। अब छोटा सा कॉमन सा सवाल आएगा, यार आप हरी खाद के बारे में बोल तो रहे हैं बट अब इसका सीड कहाँ मिलेगा, क्योंकि मुझे सीड के लिए भी काफ़ी सारे किसान मित्रों की कॉल आए थे और मैंने इसके ऊपर एक दो बार पहले वीडियो के अंदर बात करी थी। तो वहीं से मैं दोस्तों यहाँ से शुरुआत करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम अगले साल के लिए खेत की तैयारी करेंगे, किस प्रकार से हमें सॉइल टेस्ट कराना है और किस प्रकार से हम अपनी ज़मीन को वापस से अब अगले साल के लिए तैयार करना है। खेत का चुनाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके अंदर जुताई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक एक करके वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं आखिरकार, अब हम हरी खाद के बारे में बात तो कर ली, सनई के बारे में बात तो कर ली, अब इसका बीज कहाँ मिलेगा। तो बीज किसान मित्रों, आप सुनील भेड़ा सर को जानते हैं, सुनील भेड़ा सर ने इसके ऊपर अपनी जो पूरी PhD है वो करी है दोस्तों, और इसके बहुत ज़्यादा चमत्कारिक फायदे हैं जो आपने स्वयं अपने प्लॉट पर और बहुत सारे किसान मित्रों को बताए भी है और होते भी है। किसान मित्रों, आज से कुछ समय पहले तक कुछ किसान मित्र ऐसे होंगे जो अफीम जहाँ पर लगता है उसमें गर्मी, वो वहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं। मैं अभी राजस्थान में गया था, वहाँ पर जो किसान मित्र अफीम की खेती कर रहे हैं, यहाँ अरनोद के पास मैं गाँव गया था, वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ सनई का एक ढेर लगा हुआ था, सनई का। वो मैंने उनसे पूछा जो वहाँ पर काम करने वाले थे, उनसे पूछा, बोले यार ये सनई क्यों यहाँ क्यों रखी हुई है, कि बोले इसका ये बीज आपने लगा निकाल के रखा है, बीज यहाँ से इसमें इसको झाड़ के इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे इस बीज का, बोले कि जब भी हम अफीम बोते हैं ना उसके जस्ट पहले हम इसको लगाते हैं, तो इससे क्या अफीम अच्छी होती है। और तो ये सारी चीज़ें, अब जो किसान मित्रों अफीम जैसी फसल में जब सनई अच्छे से काम कर रही है तो हमारी लहसुन के लिए भी बहुत अच्छे से काम करेगी। तो दोस्तों अब सीड की हम बात करते हैं, आखिरकार सीड कहाँ मिल सकता है। तो सीड नीचे दिए गए नंबर है, जो एक किसान मित्र है 12 डिस्ट्रिक्ट से, 12 या अंता वगैरह जो सुनील सर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ से कोई किसान मित्र है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में सीड उचित दाम पर उपलब्ध है, आप उनसे ले सकते हैं। और अगर आप सीड लेते हैं या अगर आप उनसे बातचीत करते हैं तो आप वहाँ पर ये घर पहुँच सेवा भी उपलब्ध है, जैसे कि अगर वहाँ बारह से अगर कोई बस चल रही है तो आप वहाँ से आपको सीधे वो कोरियर भेज देंगे, आपको कोरियर का पैसा पे करना है और सीड का पैसा पे करना है, तो उचित दाम पर आप बात कर सकते हैं दोस्तों। और जब हम रासायनिक चीज़ों में, रासायनिक DAP की बोरी में अगर हम 1400-1500 रुपये प्रति 50 किलो का खर्च कर रहे हैं तो हमें एक हमारी एक ये हो जाती है कि बोले हम जैविक जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम खर्चा करें। तो दोस्तों आप सनई लगाकर ट्राई कर सकते हैं और लगभग 40 से 45 दिनों में आराम से इसकी जो अच्छी हाइट हो जाती है, लगभग 50 से 55 दिनों के बीच में हमें इसकी हकाई करके इसको पूरा ज़मीन के अंदर मैशअप करना है, और इसको मैशअप करने के बाद में, मिक्स करने के बाद में हम 10 से 15 दिन के बाद में नई फसल लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं है। अब कुछ किसान मित्र ये भी सोचेंगे कि यार भैया यार ऐसा नहीं कि हमारी गर्मी की फसल में दिक्कत आ जाए, बरसात में फसल उगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है किसान मित्रों, बहुत फास्ट तरीके से इसके अंदर जो है सड़न होती है, और ये जो जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व है होते हैं ज़मीन के अंदर उनका सबसे बेस्ट भोजन होता है, अच्छे से खा सकते हैं। अगर आप इसके प्लेस पे साथ में जब आप मैशअप कर रहे हैं उस समय पर आप घनजीवामृत या फिर वेस्ट डीकम्पोजर और जो हमारा वर्मी वॉश वगैरह अगर हम डालते हैं तो और भी बेटर रिजल्ट हमें आता है, तो आप वो भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों ये आप शुरुआत समझिए, इस सीज़न की पहली शुरुआत है इस वीडियो की, यहाँ से हम जैविक के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट ईयर लहसुन के ऊपर एक चैप्टर नया खुलेगा। नया कैसे खुलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस बार आपने देखा होगा सारी चीज़ें मैंने जितनी भी बातें करी है लहसुन में सारी केमिकल की बात करी है। अगली बार से मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, अगर आप चाहें तो आप कम्प्लीटली जैविक करें या फिर अगर आप चाहें तो आप कम्प्लीटली केमिकल वाली करें, तो दोनों चीज़ें आपके लिए बेटर रहेगी। तो दोस्तों ये आप अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस वीडियो के ऊपर कितने कमेंट्स आते हैं, कितने शेयर मिलते हैं, कितने लाइक्स मिलते हैं और कितने व्यूज़ आते हैं। ये व्यूज़ अगर अच्छे आए तो हम नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे अगला वीडियो लेकर आएंगे वर्मी कंपोस्ट के ऊपर, वर्मी वॉश के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने यहाँ पर जो ये हरी खाद लगाएंगे, कब लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, बीज कैसा है, कैसे हम सिंचाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों जमकर शेयर करिएगा और जमकर अपना जो प्यार है इस वीडियो के ऊपर दिखाइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।